नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के पेज लेआउट टैब के अंदर स्केल फिट और शीट ऑप्शन के बारे में, जिसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपका विथ है, दूसरा हाइट है और तीसरा स्केल है। आप देखेंगे हमारे पास एक डेटाबेस है, अगर हम इसका प्रिंट निकालते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा डेटा शो नहीं हो रहा है। हमारा जो डेटा है वो सिर्फ 49 तक यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, और अगर इसे हम जूम करके देखेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास जो टोटल डेटा है यानी कि 60% की इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। और हमारे पास जो डेटा प्रिंट प्रीव्यू अगर हम देखते हैं इसका, तो उसमें हमारा जो डेटा है वो सिर्फ 49 तक ही शो कर रहा है। तो इसकी स्केलिंग को हम किस तरीके से फिट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने एक ऑप्शन है स्केल का। इस स्केल ऑप्शन को जैसे हम यहाँ से डिक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो मार्जिन है वो यहाँ से, तो यहाँ पर जो मार्जिन है हमारी वो यहाँ से इंक्रीज होती चली जाएगी, और अब ये पूरा का पूरा डेटा हमारा एक पेज पर एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर 60 तक अवेलेबल हो गया। तो इस तरीके से आप स्केल फिट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्केलिंग को 100% यहाँ पर रखते हैं और अब हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ये स्केल को फिट कर ले, तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो डेटा है जिसकी हाइट इंक्रीज है, तो हाइट के हिसाब से यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हाइट वाले ऑप्शन को। जैसे हम इस हाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पेज वन को, तो जैसे हमने पेज वन लिया तो आप देखें हमारा पूरा का पूरा डेटा जो होगा वो स्केल फिट हो जाएगा, यानी हमें स्केल को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट 83 स्केलिंग में एडजस्ट हो गया। तो अब हमारा पूरा का पूरा जो डेटा है वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, एक ही पेज पर हमारा प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो इसके लिए फाइल वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं आप, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया, या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F2 प्रेस कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। इसके बाद इसी तरीके से अगर हम बात करें विथ की, तो आप विथ को भी इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से हम दूसरा डेटा ले लेते हैं जिसमें हमने विथ को मैनेज किया हुआ है, और अब इसको अगर हमें मैनेज करना है तो यहाँ पर देखिए स्केलिंग को अगर हम इंक्रीज करें तो स्केलिंग को इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर हमारे पेजेस इंक्रीज हो जा रहे हैं, यानी कि हमारे जो पेजेस हैं वो एक्स्ट्रा यहाँ पर यूज होंगे। अब इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इस पूरे डेटा को एक ही पेज पर कैसे प्रिंट ले सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे विथ को। विथ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे हम पेज वन को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो विथ के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करके जैसे आप इसका प्रिंट लेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा एक ही पेज पर प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो डेटा है वो पोर्ट्रेट के अंदर है, पोर्ट्रेट में हमारा डेटा पूरा का पूरा प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ से हम इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं। जैसे हमने ओरिएंटेशन को यहाँ से लैंडस्केप यूज़ किया, और उसके बाद अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करके, तो आप देखिए हमारा पूरा का पूरा डेटा मैनेज हो चुका है। इस तरीके से आप स्केलिंग का यूज़ कर सकते हैं, स्केल फिट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने ऑप्शन है ग्रिड लाइंस का। ग्रिड लाइंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सिंपल डेटा है जिसके अंदर हमने कोई भी गाइडलाइन यानी किसी भी गाइडलाइन का यूज़ नहीं किया है, यानी किसी भी बॉर्डर का यूज़ नहीं किया है। अब अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने उस डेटा का प्रिंट आ रहा है, लेकिन उसकी आउटलाइंस लेकिन उसकी ग्रिड लाइंस यहाँ पर शो नहीं हो रही हैं। अगर आप इसकी ग्रिड लाइन को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है प्रिंट का, इसको जैसे हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे तो आप देखिए हमारी जो भी ग्रिड लाइंस थी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप सिंपल डेटा को ग्रिड लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रिड लाइन को यहाँ पर हटाना चाहते हैं तो जैसे आप ग्रिड लाइंस को यहाँ से हटा देंगे और आप कंट्रोल F2 प्रेस करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो भी ये डेटा हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी तो भी ग्रिड लाइंस यहाँ पर शो हो रही है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने यहाँ पर टिक किया हुआ है, इसके प्रिंट वाले ऑप्शन पर हमने टिक किया हुआ है। इस चेक मार्क को जब यहाँ से हम हटा देंगे और अब हम कंट्रोल F2 करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखिए ग्रिड लाइंस हमारी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप हेडिंग्स का यूज़ करना चाहते हैं, हेडिंग को जैसे हम टिक मार्क यहाँ से हटाएंगे तो आप देखेंगे जो भी इसकी रो एंड कॉलम्स की हेडिंग्स थी वो यहाँ से गायब हो चुकी हैं। इस पर टिक करेंगे तो वापस से हमारा ये डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, और अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देंगे तो यहाँ पर आप देखिए इसकी रो और कॉलम्स की हेडिंग यहाँ पर शो नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप इसके प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे यानी इसके प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो भी एड्रेस था वो यहाँ पर शो अप हो गया, यानी रो और कॉलम की जो भी हेडिंग्स थी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप शीट ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एमएस एक्सेल का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।